2024 में मोदी ने जिस तरह से सरकार बनाई है उसमें बड़ी भूमिका चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल कयास लगा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू धोखा दे सकते हैं, नीतीश बाबू भी धोखा दे सकते हैं, वो भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। जिस प्रकार से योगी बाबा का बुलडोजर गरजता है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का भी बुलडोजर गरजने लगा है। और जहां पर भी अतिक्रमण मिलता है, जहां पर भी अवैध निर्माण मिलता है, चंद्रबाबू नायडू का बुलडोजर एकदम से गरज उठता है, एकदम से उसकी आवाज ऐसी गूंजती है कि बड़े बड़े विपक्षी दलों के हौसले पस्त हो जाते हैं। अब नायडू का बुलडोजर पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के कार्यालय पर गरज उठा, और ऐसा गरजा कि पूरे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो सारे सहम गए हैं, वो सारे डर गए हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ये कहा कि नायडू 5 साल कैसे चलेंगे, किस प्रकार से कार्यकाल अपना पूरा करेंगे, उन्होंने पूरी तरह से बता दिया है, अपने इरादे को भी बता दिया है। अर्थात नायडू का बुलडोजर पूरे 5 साल जबरदस्त तरीके से अवैध निर्माणों पर गरजेगा। तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि योगी का जो मॉडल बुलडोजर वो देश के विभिन्न राज्यों में तो गरज रहा था, विभिन्न राज्यों में वो चल रहा था, हाई कोर्ट तक ने उदाहरण दिया योगी बाबा के बुलडोजर को। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि वो योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर ही चलेंगे। उन्हें भी पता चल गया है कि जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजा, यूपी में जिस तरह से बाबा ने अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया, उसी तरह का काम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल कयास लगा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी एनडीए से किनारा कर सकते हैं, कभी भी इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, तो वो सारे कयास जो लगाए जा रहे हैं, वो सारे कयास एकदम जो लोग भी लगा रहे हैं उनके अंदर गलत फहमी है। चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से एनडीए के साथ रहेंगे, मोदी सरकार के साथ रहेंगे और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी करेंगे। उसका मूल कारण एक और भी है, क्योंकि अभी से इंडिया गठबंधन बिखरने लगा है, अभी से इंडिया गठबंधन में बिखराव आने लगा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में टकराव है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो भी पूरी तरह से अभी भी किनारा करे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन जहां बिखराव में है, तो चंद्रबाबू नायडू को भी पूरी तरह से ये पता है, ये जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो वहां पर कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिर्फ खोने के अलावा वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 5 साल तक एनडीए के साथ रहकर, मोदी जी के साथ रहकर वो पूरे कार्यकाल को पूरा करना चाहेंगे, और बेहतर व्यवस्था के साथ वो आंध्र प्रदेश में जिस तरह से योगी बाबा के बुलडोजर को नजीर मानकर, मॉडल मानकर काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, उसी तरह का काम चंद्रबाबू नायडू करने वाले हैं। तो ऐसे में विपक्ष को ये साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि 5 साल तक एनडीए की सरकार पूरी दमदारी से चलेगी, ना चंद्रबाबू नायडू जाने वाले हैं और ना ही नीतीश बाबू जाने वाले हैं।